तो गैयर आज के इस वीडियो में आपका भाई फिर से आप ही में से किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब ड्रोन के साथ हम एक्सपेरिमेंट चाहते हैं, और इसके बाद वो रिक्वेस्ट मैंने भाई साहब को बताई और भाई साहब भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जैसे इनको पहले से मालूम था। और वो रिक्वेस्ट क्या थी सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है ड्रोन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, लेकिन सबसे पहले मैं वो रिक्वेस्ट आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये खेत है और इसका ये बॉर्डर लगता है, ये जो बॉर्डर है तकरीबन 50 से 60 फीट है, और इससे अगला वाला खेत है वो इससे बड़ा है और उसका जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा दूर है। तो आज की वीडियो में यही कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा ड्रोन और इन भाई साहब ने दोनों ने जो है चैलेंज कर दिया है फिर से, और आप लोगों में से किसी एक भाई साहब ने भी वो रिक्वेस्ट की है इंसान वर्सेस ड्रोन। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये दो भाई साहब इसके पास जाने वाले हैं। ये जो पहला वाला बॉर्डर है, इन्होंने कहा कि हम ड्रोन के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, ड्रोन के साथ तो हम रेस नहीं लगा सकते, लेकिन ड्रोन की हाफ तक हम जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला बॉर्डर है, ये पहले बॉर्डर को छू कर वापिस आएंगे, और हमारा जो ड्रोन है वो पिछले बॉर्डर को छू कर वापिस आएगा। पिछला बॉर्डर काफी ज्यादा दूर है और वो खेत जो है इस खेत से डबल बड़ा भी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों बॉर्डर आपको तकरीबन नजर आ चुके होंगे, कैमरामैन आप दिखा पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बॉर्डर आपको नजर आ चुके होंगे। तो फाइनली डिसीजन यही है कि इन भाई साहब ने फैसला दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और आप में से जिस भाई ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया था उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, रिजवान भाई हैं और बहुत प्यार करते हैं हमसे और काफी वीडियो को लाइक भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और फाइनली देखते हैं कि क्या कुछ होता है, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं भाई, टाइम नहीं वेस्ट किए हुए। थ्री टू वन गो। तो गाइस यार आपने देखा कि हमारा जो ड्रोन है वो वाइंड काफी तेज होने की वजह से आज हार चुका है, और वाइंड आज की बहुत ज्यादा तेज है। और जब मैं वापस पलट रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था अचानक कि मैंने किस तरफ जाना है, आपने रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो ड्रोन है आज हार चुका है। और ये जो बॉर्डर है इस खेत का ये करीब भी लगता है, और जो आगे वाला खेत है वो बड़ा भी है, और ये भी रीज़न हो सकता है हमारे ड्रोन के हारने का। और इसके साथ साथ फर्स्ट कौन आया, आप आए हो? यही है, तो फर्स्ट ये छोटू आया है, और इसके बाद सेकंड ये आ चुके हैं, और थर्ड हमारा ड्रोन आया है। और बेसिकली ड्रोन की और इंसान की रेसिंग तो नहीं बनती, लेकिन एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया था कि क्या इंसान ड्रोन के साथ रेस लगा सकता है। बिल्कुल नहीं लगा सकता, लेकिन आज का जो टारगेट था बिल्कुल नज़दीक था। आप देख सकते हैं ये खेत का बॉर्डर ये है, चंद फीट पर है, और जो अगले वाला खेत है वो बड़ा भी है, लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने सोचा कि हो सकता है मे बी कि हमारा ड्रोन जो है वो विन आ पाए, पॉसिबल भी था। लेकिन अगर ड्रोन जो है मैं थोड़ी सी दिशा इसकी जो है मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क कर गया, नहीं तो ये भी विन आ सकता था, काफ़ी इसकी ज़्यादा रफ्तार है। तो अंकल भाई साहब जो हैं ये फाइनली जीत चुके हो आज, तो जीत चुके हो, तो ये भी भाई साहब जीत चुके हैं आज, इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय हुआ है, और वाइंड आज की काफ़ी ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्रोन भी कन्फ्यूज़ हो गया था और मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था। और आई होप कि आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट
बहुत जबरदस्त लगते होंगे। आप देख सकते हैं वाइंड, आप चेक कर सकते हैं, मैं इसे सीधा फेंकता हूँ और जाएगा कहाँ पर देख सकते हैं, वो देखें गाइस कितने दूर गया, यहाँ से कोई 15 फुट बनता है, फीट बनता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या है। तो आई होप कि आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट में मजा आता होगा। मजा आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर और ड्रोन से रिलेटेड कोई भी आइडिया है आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपकी रिक्वेस्ट पर आपका भाई वही एक्सपेरिमेंट करें जो आपका हो। और आई होप अगेन वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।